कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में फिलहाल महाजंग जारी है। पूरे देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म होने वाली है। ऐसे में क्या रणनीति आगे रहेगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से काफी ज्यादा लाभ मिला है, सामूहिक प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है। वहीं पीएम मोदी के साथ मीटिंग में ज्यादातर राज्य 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाने के पक्ष में है। सिर्फ मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी राज्यों से लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करने की अपील की। साथ ही में पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ जुड़े। इस दौरान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और डीजीपी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रीत किरण मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, बड़ी यहां पर बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कहा कि केंद्र और राज्यों के जो सामूहिक प्रयास है उनका असर देखने को मिला, लेकिन एक बात और कही कि ये जो लॉकडाउन है उसी का ये असर है कि अभी तक हमारी जो स्थिति है वो संभली हुई है। तो क्या इस बात का ये मायना निकाला जा सकता है कि आगे 3 मई के बाद में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने वाली है, और अगर ये हटने वाली है तो किन चरणों में इसको विधिवत यहां पर हटाए जाने की कवायद है, आप क्या कहेंगी प्रीत इसके बारे में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में ये कहा कि अब तक बाकी अगर देशों की तुलना में भारत को देखा जाए तो बहुत बेहतर स्थिति में है भारत। यहाँ केवल मोदी ही नहीं, विपक्ष भी इस मुद्दे पे ये मानता है कि भारत ग्लोबली लीड कर सकता है। आज जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता है उनकी तरफ से कहा गया, हालांकि जो बैठक है उसमें ये उन्होंने कहा कि अब तक हम लोग जान है तो जहान है का स्लोगन लेकर के चल रहे थे, लेकिन अब जान के साथ जहान की भी चिंता करनी होगी, आर्थिक नीतियों का पर भी विचार करना होगा। यही वजह है कि अब तक जो राज्य बात करें अगर पंजाब की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, यहाँ पर लॉकडाउन जारी रखने की अपील लगातार की जा रही थी, दिल्ली की ओर से भी की जा रही थी, लेकिन मीटिंग में इस बात पे लगभग सहमति बनी कि हॉटस्पॉट जहाँ पर है कुछ शर्तों के साथ वहाँ पर कंप्लीटली लॉकडाउन रहेगा और बाकी जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर कुछ राहत दी जाएगी ताकि लोग जो है अपने आर्थिक जिस तरीके से मंदी है देश में अपनी उसको सुधार ला सके, आर्थिक हालात देश में सुधरे। हालांकि मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो मनरेगा मजदूरों के जो डेली आमदनी है 100 रुपए से बढ़ा करके 150 रुपए कर दी जाए, तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 मई के बाद आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कुछ इलाकों में जहाँ पर हॉटस्पॉट कम है, जिन राज्यों में हॉटस्पॉट की संख्या कम है वहां पर काफी राहत दी जा सकती है, और जिन राज्यों में हॉटस्पॉट की संख्या ज्यादा है वहां पर राज्य सरकार पे निर्भर करेगा कि क्या वो लॉकडाउन को जारी रखती है या नहीं। हालांकि कुछ राज्यों की ओर से ये भी कहा गया कि इस निर्णय को केंद्र सरकार की ओर से लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पे कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। जी प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से कोरोना की शुरुआती अवधि में यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा तमाम उन पैकेजेस की घोषणा की गई, सभी पैकेजेस जून तक की अवधि के लिए यहाँ पर दिए गए, तो क्या कहा जा सकता है कि उस अवधि के मद्देनजर यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया? क्योंकि अभी भी देश भर में ऐसे 300 जिले हैं जहां पर कोरोना ने उन जिलों को नहीं छुआ है, अभी तक वो अभी तक प्रभावित नहीं है, तो क्या कहा जा सकता है कि कुछ सीमित रियायतें और शर्तें हैं जहां पर जो लॉकडाउन है उसको धीरे धीरे यहां पर खोला जा सकता है, क्योंकि जहान को भी बचाना प्राथमिकता हो गई है? प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में इस चीज का जिक्र बार बार किया। जी बिल्कुल, प्राथमिकता है आर्थिक नीतियों पे काम करना, जिस तरीके से जो आर्थिक विशेषज्ञ है उनकी तरफ से राय दी गई कि अमेरिका और ब्रिटेन या अन्य देशों जैसी सिचुएशन में भारत नहीं है, यहाँ पर आर्थिक हालात को भी सुधारा जा सकता है और लॉकडाउन से काफी ज्यादा फायदा हुआ है, ऐसे में हॉटस्पॉट को ध्यान में रखते हुए बाकी जगह पे राहत दी जानी चाहिए। जो मजदूर हैं जो अपने रोजमर्रा के काम काज बंद करके ठप पड़े हैं उनको वापस से खोला जाए, और कहीं ना कहीं जो रोज की आमदनी है वो कम से कम अर्जित की जाए, काफी राहत मिलेगी
देश को, हालांकि आर्थिक पैकेज को बात की गई कि राज्यों की ओर से भी अपील कि उनको पैकेज दिया जाए, कोरोना को देखते हुए उनको आर्थिक मदद दी जाए, तो इस पर भी विचार किया गया है कि अब जो है 3 मई से पहले प्रधानमंत्री की ओर से सभी राज्यों को कितनी कितनी आर्थिक राहत दी जाती है कोरोना के लिए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत। आप दिल्ली से एवन संवाददाता को सुन रहे थे, तमाम जानकारी देते हुए हमारे दर्शकों के साथ में साझा की। जिस प्रकार से चौथी दफा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, महामंथन इसे कहा जा सकता है जो उन्होंने किया। कहा कि किस प्रकार से 3 मई के बाद में जो लॉकडाउन है उसको बनाने को लेकर, उसे बढ़ाने को लेकर या उसे चरणबद्ध तरीके से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तमाम उन मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे संवाददाता दिनेश कसाना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साथ में जुड़े, तो राज्य को लेकर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या क्या उन्होंने मुद्दे यहां पर रखे और किस प्रकार से ये पूरी वार्ता और चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए जैसे कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक समय से देश भर में लॉकडाउन जारी है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के लेकर आज चौथी बार जो देश भर के मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के, उनसे कोरोना को लेकर चर्चा की है, फीडबैक लिया है सभी राज्यों की अभी कोरोना की क्या स्थिति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएमआर से वीसी के माध्यम बैठक में शामिल हुए हैं और प्रदेश की जो हालात है कोरोना को लेकर किस तरह के प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहे हैं, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कितने जिले जो रेड जोन में हैं उसको हॉटस्पॉट एरियाज करीब 38 से 40 हॉटस्पॉट प्रदेश में अभी तक हैं उसकी पूरी जानकारी आज प्रधानमंत्री को उन्होंने दी है। साथ ही जो फीडबैक दिया है उसके साथ ही कई सुझाव भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए हैं। देखिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना आसान है लेकिन इसको खोलना बहुत बड़ी चुनौती है, एक साथ लॉकडाउन नहीं खोला जाए, इसको लेकर भी वो पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी प्रधानमंत्री के साथ वीसी होगी तो हमें ये मेरी ओर से ये सुझाव रहेगा कि लॉकडाउन खोलने का जो है वो राज्यों के ऊपर छोड़ा जाए कि सभी राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, कहाँ किस तरह की स्थिति रहेगी ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा जाए, किस तरह की राहत लॉकडाउन के तहत दी जाए, एक साथ लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है, ऐसे में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सुझाव दिया गया। साथ ही राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो काफी खराब स्थिति में है तो ऐसे में केंद्र की ओर से जो राहत पैकेज की लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मांग कर रहे थे, आज उन्होंने फिर प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात लाई कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्र की ओर से मदद की जाए, कोरोना का जो संकट है उसको लेकर राज्य सरकार लगातार प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है, संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है, ऐसे में केंद्र भी इस मदद को लेकर राज्य की मदद करें मदद के लिए आगे आए, ऐसे में जो केंद्र सरकार की मदद हो सकती है वो राज्य की मदद करे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कोरोना के जो सुरक्षा किट हैं, जांच किट हैं उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि जो केंद्र के स्तर पर ही उनकी खरीद की जाए, ऐसे में किसी भी तरह की जो जांच किट हैं, रैपिड टेस्ट किट जो राज्य सरकार ने मंगवाए थे उनमें खामियां देखने को मिली और वापस उनको जांच किट जो रैपिड किट है उनसे जांच हो रही थी उनको रोका गया, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है। आज की जो भी कोरोना से संबंधित जांच किट है वो केंद्र अपने स्तर पर खरीदे, अगर राज्य अलग अलग खरीद करेंगे तो उनकी कीमत भी बढ़ेगी और जो पूरी जांच के बाद ही केंद्र इसके खरीद के उपकरण है जो कोरोना की वो केंद्र अपने स्तर पर खरीद करे। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो डिमांड की थी, जो आज जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में जो सभी सीएम को निर्देश दिए हैं कि वो अपने राज्यों में जो लॉकडाउन खोलने की स्थिति है उसकी जो नीति बनाए आगे किस तरह के, देखिए आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्री से फीडबैक लिया है, एक एक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है, सभी राज्यों का फीडबैक जुटा है, चूंकि लॉकडाउन 3 मई को लॉकडाउन 2 खत्म समाप्त हो रहा है, ऐसे में क्या आगे कदम रहेगा प्रधानमंत्री का इस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, तो आज प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से वीसी के माध्यम से फीडबैक लिया है और ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो आगे की रणनीति बनाए, तो उनके राज्यों में क्या स्थितियां हैं और चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की क्या स्थिति रहेगी। देखिए ये तो स्पष्ट है कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं और जहां पर कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उन एरियाज में अभी तक लॉकडाउन के बाद संभवतः जारी रहेगा लॉकडाउन, और
जहां पर स्थिति नियंत्रण में वहां पर कुछ राहत दी जा सके। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद दिनेश। आप एवन संवाददाता दिनेश कसाना को सुन रहे थे। तमाम जानकारी यहां पर बताई किस प्रकार से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साथ में जुड़े और किस प्रकार से राज्य की समस्याओं को और अपने अपने जो सुझाव है उन्हें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यहाँ पर रखा।